छोटे होते बड़ी मतलब वो उत्साह हो रहा था कि होली का होली का, अब इतना नहीं है। भाई रात को शायद से भूकंप आया ही नहीं आया, बट अभी मेरे इंस्टाग्राम पे आया कि 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत मतलब मेरी नींद हल्की बीच में टूटी थी, क्योंकि मेरे को बेड हिलता हुआ लग रहा था, मेरे को लगा मैं सपने में थोड़ा हो रहा हूँ हेलुसिनेट एंड ऑल, बट अब मैंने जब पढ़ा तो मेरे को लग रहा है मेरे को थोड़ा कन्फर्म भी हुआ भूकंप आया, बट आई एम प्रीटी नॉट श्योर अबाउट इट एंड आई एम अ लिटिल बिट श्योर, क्योंकि मीम पेज ने डाला ना, तो मीम पेज की बात है आदमी ट्रस्ट नहीं कर सकता, यू नेवर नो। सुबह ट्यूशन नहीं जा पाया, ये दो दिन से सुबह का स्किप हो रहा है यार, गलत हो रहा है, बट शाम को हम वही जो सुबह का जो होता है ना जो पार्ट स्किप हो जाता है, तो शाम को हम पूरा मतलब पोटेंशियल के साथ पढ़ लेते, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो वो सारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो सारा सॉर्ट हो जाता। पापा और कशिश भी गए इवेंट पे, मम्मा तो पहली चली गई थी इवेंट पे, तो ये दो जगह इनके अलग अलग इवेंट से तो अपना संभालेंगे, ये लोग गए, एम ही गए स्कूल, हमने तो जाना नहीं, हमने तो पढ़ाई के लिए छुट्टियां ले रखी, लेकिन वो पढ़ाई के लिए जो छुट्टियां वो पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, बट कोई बात नहीं, अभी घर पे है ना, तो एक बार व्लॉग आउट करते हैं यूट्यूब पे, उसके बाद तो फिर क्या बोलते हैं थोड़ी देर पढ़ने बैठ जाएंगे, जेन्युइनली पढ़ने बैठ जाएंगे। अभी दीदी के दीदी आपको टॉन्ट नहीं है पीछे से, ये कैसे हो गया? चलो पहली बार दीदी बिजी है यार, खुद चाय पी गई, मेरे को पूछ लो छोटे भाई को, छोटा भाई जान ठीक है दीदी, ओके छोटा भाई जान को कोई पूछता नहीं दोस्तों, छोटा भाई जान इज सेल्फ सफिशिएंट, छोटा भाई जान अपने लिए चाय खुद बना लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है हमें चाय के लिए, हम खुद बनाते हैं। हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, फ्रेश फील कर रहे हैं अभी तो, घर की पूरी सफाई भी होनी, जितने भैंपर वैम्पर बनने इतना गंदा हो रखा है ना, पूरा ये साफ वाफ हो अच्छे से करेंगे दीदी, अब सफाई जो करनी है। सामने मेरी मतलब सामने ट्यूशन से कार्तिक और मैदान जा रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, ये तो चले गए सुबह सुबह पढ़ने, नाइन्थ वाले, नाइन्थ और एक टेंथ इनका सही सिस्टम है भाई, ये पढ़ने चले गए, हम नहीं उठ पाए यार, ये नींद का कुछ इलाज करना पड़ेगा, ये काम काम के चक्कर में नींद की जो ऐसी की तैसी हो गई है ना, इसका इलाज मैं करूंगा, पहले इसका इलाज कर दूं यार, ये पंखे का टुड़ुक 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 24 घंटे टुड़ुक टुड़ुक करता रहता है पूरा टाइम। आई हैव द बेस्ट पिक्चर ऑफ द इंटरनेट राइट नाउ, बस यहां पे इलॉन मस्क कट गया, बाकी सब द बेस्ट पिक्चर ऑफ द इंटरनेट, एंड्रयू ट्रिस्टन, डोनाल्ड ट्रंप, इसका मैं नाम भूल गया, देन इलॉन, द पिक्चर व्हिच मैट्रिक्स फेयर फॉर, ये वो पिक्चर है भाई, फ्री टॉप जी हो जाए एक बार तो मजा आ जाएगा भाई, इंटरनेट ब्रेक डाउन हो जाएगा, जब तकाशी 69 द रैपर जब जेल से निकला था तब जब इंटरनेट ब्रेक डाउन हो गया था, जिस दिन टॉप जी बाहर निकल गया ना, इंटरनेट वापस ब्रेक डाउन हो जाएगा, माँ कसम इंटरनेट टूट जाएगा पूरा। अच्छा वैसे देखा जाए तो कबूतरा अकेला रखा, कबूतरी नहीं है इसके साथ में, नेवर माइंड, बेचारे की लड़ाई लड़ी हो गई होगी। थोड़ी देर ऑनलाइन यूट्यूब पे हिस्ट्री और पॉल साइंस से रिलेटेड थोड़ी सी वीडियोस देख लेते, क्वेश्चन वेशन थोड़ा बहुत समझ लेते, चैप्टर्स इंग्लिश का भी ऐसे कर लेंगे, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट पे भी अब जाते हैं थोड़ा कर लेते हैं, जैसे अपने लिए इजी हो और क्या। मैंने नीचे जो उतर गए थी, तीखी धूप हो रही है ना, माँ कसम जलासा ही दिया भाई, गोवा में इससे ज्यादा धूप नहीं थी, इससे कम धूप थी, इधर तो बहुत जलने वाली धूप हो रही है, गर्दन पूरी जल सी रही है मेरी तो। और भाई स्कूल कैसा था? अरे क्यों ऐसे आ जाने क्यों था? परेशान मत करो, मेरा तो काम है। पर किसके साथ? हवाई क्लास लेके जा रही हूं। ओ यार काश मैं तेरे स्कूल में होता, तुम ये ऐसे यार छोटी क्लास वालों का जाने को मिलता है, घूमने को मिलता है पूरा, ना पढ़ाई की दिक्कत ना कुछ है ना। सेकंड क्लास को लेकर जा, थर्ड। आप फर्स्ट में नहीं थे? फर्स्ट में लेकर जा रही हूं। मेरी वाली बात होगी। आपकी वाली बात मैं समझा नहीं। तुम 12th में आने वाले हो ना? हाँ। तो मेरे को लग रहा था तुम 10th में। अरे हाँ, अरे आप तो छोड़ो दीदी, आप तो पता नहीं कौन से सूखे नशे करती हो, हंस क्यों रही है? मेरा और दीदी का मजाक है, तू कैसे हंस रही है? दत्तो मेरी वाली एलियन दांत, तेरे दांत क्यों नहीं आ रहे? आ रहे, आ रहे, और दीदी खाना, अरे दे दो अभी बैठी हो ना, जब तक दे दो जल्दी से परोस दो फटाफट, परोस दो एक सेकंड परोस दोगे, अब जाओ जाओ अभी पढ़ाई करके थोड़ी सी घूमी करने गए, तब घूमी करके आ गए, तब थोड़ी देर में आमी अभी ट्यूशन जा रही है 4:00 की, इसके मैं 4:30 तक जाऊंगा, 4:30 के बाद 4:30 से 6:30-7 तक पढ़ेंगे अपना मस्त, पढ़ाई करके आ जाएंगे, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, देखो दोस्तों पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, पढ़ाई अगर आप छोड़ते तो बहुत बुरी चीज है, देखो बोल भी कौन रहा है, जिसको हक नहीं है बोलने का, बोल रहा है फुल पावरफुल एकदम तैश में की, हाँ भाई पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ा करो ना, या मुझे गिरेटी दवाई लगा ली, नाउ लेट्स लीव फॉर ट्यूशन, पढ़ाई करते अब जाके भाई, बहुत हो गया मजाक, बहुत रेस्ट एंड बहुत मजे कर लिए घर पे, मजे भी कहाँ करे यार, रेस्ट कर रहा थोड़ा सा, ब्रेक ले लिया और थोड़ी पढ़ाई कर ली, ज्यादा नहीं करी, मैंने 1.5 घंटा ही पढ़ा बस मैक्स घर पे पता नहीं वो मोड ऑफ एक्शन ही नहीं रहता यार पढ़ाई वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद आपको रिलेट कर पाओ इस बात को, कि घर पे खुद से ही पढ़ाई का निकलता ही नहीं, हाँ पढ़ ले बट ट्यूशन चले जाए तो और वैसा रहता, तो उसमें पढ़ाई हो जाती, बट घर पे द ऑर इज नॉट द सेम, इट्स लाइक क्वाइट डिफरेंट, तो
होती नहीं खुद से मेरे पढ़ाई। चलो भाई डन, ट्यूशन अच्छे से हो गई है, अब निकलते हैं क्या बोलते हैं घर या पता नहीं घूमने, बोर से हो गया आज, ज्यादा पढ़ाई करने का मन सही नहीं कर रहा था। पढ़ा 2 घंटा नॉन स्टॉप पढ़ा, उसके बाद खुद से मन नहीं कर रहा, तो आज हमने पूरे दिन में टोटली 2 hours and 45 minutes in total, which is somewhere around good, somewhere around bad. Targets are that at least 3.5-4 hours पढ़े, but this is also not bad. इतना भी चलता ही है। चल, राक्षस, है राक्षस, कहाँ है राक्षस, कहाँ? आगे पगला हो गया। हाँ, मेरा भाई, बस, अरे कट्टी नहीं पाते, पगल, हाँ, ओलू, हाँ, क्या, मिशल लड़ेगा, हैं? मिश लड़ेगा। बस, वो गया। बस, नो, कट्टी मारा, देखो, काट रहा, गंदा, दांत मारा, मैं बात नहीं करूंगा। नाना जी का एक काम कराऊं तो फोटो प्रिंट वो करा लिया, और साथ के साथ अब जब आए थे स्टॉक भाई फुल पावर, अब तो गुब्बारे फोड़ने, अब तो भाई साहब बड़े भाई, अब कोई कुछ नहीं कह रहा, अभी से अपनी होली चालू हो गई है। छोटे होते हुए बड़ी मतलब वो उत्साह हो रहा था कि होली का, अब इतना नहीं है, तो थोड़े हो गए ना बड़े, तो अकल आ गई, अब तो पार्टी वार्टी करने का ही होता है अपना मेनली, कि होली पे पार्टी कर लेंगे, टेक्नो पार्टी करेंगे, टेक्नो पार्टी। एक तो मेरे को टेक्नो का नया जोश चढ़ा है, मेरे को अर्पित भाई ने मेरा जोश जगाया था पहले टेक्नो का, फिर मैं सुनने लगा, फिर अब रिसेंट टाइम मेरा जो जोश हाइप अप हुआ है ना, वो गौतम साहब ने, गर्वित भैया ने कर दिया मेरा, उनके से और मेरे को जोश चढ़ गया टेक्नो का, तो अब तो भाई होली पर टेक्नो बजना चाहिए वरना मजे नहीं आएंगे, डुबचुक होना चाहिए प्रॉपर। जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद करता है, तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं है, सब हक है नानी जी, ऐसे ना बोलो। ऑलिव घई है इसका नाम आधार कार्ड में, कोई ऑलिव घई नहीं है अभी, ऑलिव घई है ये पहले भी हमारा था, तो ये अभी भी हमारा ही है। जिस थाली में खाया उसी में छेद, शर्म ना आई? उसने कहा छेद करा, शर्म ना आई तो तुमने निकाला घर, उसने कहा छेद करा। और सुनो, मम्मा को भेजूंगा पक्का, बच्चे को बेचारे को घर से निकाल दिया। यस, वेरी ट्रू। और क्या, हमारा तेरे से तो बाद में निपटूंगा मैं, उधर मुंह मत कर, इसको कुछ नहीं कहना मेरा बच्चा। और हम क्या है, हम कहा है, हम कहा हो गए तुम अपने, देखो बच्चा ही नहीं रहा, बच्चा भाई के पास रहना चाहता है, हमारा है, हमारा जायदाद में हिस्सा है इसका, हमारा। बदलाव तो है तुम में, बाल कटा लिए, चिकने हो गए थोड़े से, दुबले लग रहे हो, खाना अच्छा नहीं है क्या तुम्हारे हॉस्टल का? सही है, तुम तो भाई, तुम्हें तो हम जब हॉस्टल में था बच्चों के साथ रहते, तुम्हें तो प्राइवेट कमरा मिला हुआ है, क्योंकि मैं 12th में हूँ। सही है भाई, 12th में इसको ये फायदा हो गया, प्राइवेट कमरा। वैसे आ गए नेताजी से मिलने फाइनली, अभी नेताजी वैसे निकल ही रहे हैं, 10 मिनट का टाइम था तो हमने कहा चलो मिल लेते हैं, बड़े दिनों के दर्शन नहीं है भाई साहब। अभी कुछ नहीं यार, बस ऐसे रिलैक्स कर रहे हैं। और क्या यार, बाल अब मैं सोच रहा हूँ कटा लूँ कल जाके, थोड़े से शॉर्ट करा लेते, ऊपर से नहीं साइड से, मतलब ट्रिम करा लेते, साइड्स बढ़ गई है, साइड बढ़ा ले, आई डोंट नो, लेट्स सी। बाकी यार अभी मैं एक क्लासमेट से बात कर रहा था, तो पता चला कि आज हमारे स्कूल का 11th क्लास जो था, क्योंकि बोर्ड चालू हो गए ना, तो इसलिए अब लास्ट डे था आज, अब से पेपर देने जाना, उसके बाद से हमारी 12th, मतलब 11th अनऑफिशियली हमारी आज खत्म हो गई है। सो आई एम, बिना स्कूल जाए मेरी 11th खत्म हो गई, मतलब आधा टाइम गया आधा टाइम नहीं गया, उसमें 11th खत्म। एंड मेरे अभी जो क्लासमेट से एक डिस्कशन चल रहा था कि टीचर्स, कुछ जो नए टीचर्स आए, जो पुराने हमें पढ़ा रहे थे जब तक मैं आया था, तब जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे थे एक दो, वो शिफ्ट हुए हैं, तो उनके साथ का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीचर्स आर नाइस बट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन द टर्म्स ऑफ मार्किंग, अदर देन अदर टीचर्स, मार्किंग वाइज वो बड़े थोड़े कंजूस हैं, झूठ नहीं बोलूंगा, कंजूस ही बहुत है, सब क्लियरली बोल रहे हैं, मतलब पढ़ भी रहे हैं उसके बाद भी इतना सारा प्रेशर, इतना कुछ है ना, कि सब बोल रहे हैं यार हम इसमें फेल करेंगे, हम उसमें फेल करेंगे, हम इसमें फेल करेंगे, आई एम नॉट टेकिंग इट दैट एज अ मोटिवेशन और अ डीमोटिवेशन, आई एम न्यूट्रल ऑन दिस पॉइंट, आई एम लाइक ठीक है जो भी होगा, विल वर्क हार्ड, हम अपना 100% देंगे, जो भी रिजल्ट है अपन का तो वही है ना, हमेशा का लॉजिक 100% दो, चाहे जो भी रिजल्ट है, फेल हो पास हो वो सब देखा जाएगा, बट अपना 100% देना, दैट्स इट। बट इतना प्रेशर ना बोर्ड्स के टाइम था जितना इस बार है, क्योंकि ना पूरे पूरे बड़े बड़े चैप्टर वाले बड़े बड़े आंसर्स भी लिखने पड़ेंगे, बहुत बड़े बड़े, एंड प्रॉब्लम ये कि अगर हम अपने आंसर्स बना के लिखे तो टीचर्स मार्क काट, तो उनको चाहिए बुक वाली टर्म, ये बड़ा अजीब सिस्टम है। नेवर माइंड यार, फिर क्या बोले, अब जो भी है जैसा भी आज का व्लॉग यहीं रैप अप करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज़ व्लॉग, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके चैनल अगर मन करे तो, दिस वी बॉय के वन साइनिंग ऑफ एंड गर्ल व्लॉग, एट्स गर्ल एंड बाय गर्ल्स, मिलते हैं बहुत ही बड़े व्लॉग के साथ, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन।